सब बड़ी तो महंगाई का मुद्दा है भैया, सबसे बड़ी तो महंगाई का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है। 2 किलो गेहूँ 2 किलो चावल देने से मसला हल होता है, और जो 100 रुपए किलो तेल खरीदेगा वो 2 रुपए किलो जो है 10 रुपए किलो गेहूँ आटा भी खरीद लेगा। पहले 400 रुपए में गैस सिलेंडर था, सब्सिडी दे रहे थे, 600 रुपए में कर दिए सब्सिडी देने लगे, अब 1050 रुपए में है सब्सिडी दे रहे हैं, नहीं दे रहे। महंगाई कितनी गई? 3 गुना। तो 3 गुना सर, हर चीज, एक चीज नहीं, तीन, हर चीज का रेट 3 गुना बढ़ा है। अब इलेक्शन के बाद 4 गुना होगा। चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगे। अपना कमा खा रहे हैं ना सर, पकौड़ा बेच रहे हैं, हम भी पकौड़ा बेचे फिर तो पकौड़ा भी बेचने नहीं दे रहे हैं ना सर। अगर पकौड़ा बेच रहे हैं तो आगे वो हटा दे रहे हैं कि हटाइए यहाँ से। बेरोजगारी और आपका शिक्षा सब चीज में हम लोग को चाहिए। अब महंगाई देख रहे हैं आप, कहाँ महंगाई थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 3 गुना ज्यादा बढ़ी है हर चीज की महंगाई। तो इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। अब देखिए क्या होता है, हम लोग का तो ये है कि जीतना चाहिए। लेकिन सरकार तो कहते हैं महंगाई, कौन सरकार, सरकार ऐसे कहती है महंगाई नहीं है वक्त के साथ। बता दीजिए, 400 रुपए में गैस सिलेंडर था, सब्सिडी दे रहे थे, 600 रुपए में कर दिए सब्सिडी देने लगे, अब 1050 रुपए में है सब्सिडी दे रहे हैं, नहीं दे रहे। महंगाई कितनी गई? 3 गुना। तो फिर तो महंगाई नहीं गई। टमाटर कितने में था? 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, आज कितने में? 60 रुपए किलो। प्याज कितने में? 20 रुपए किलो, आज कितने में ले रहे हैं? 60 रुपए किलो। 3 गुना सर, हर चीज, एक चीज नहीं, तीन, हर चीज का रेट 3 गुना बढ़ा है। अब इलेक्शन के बाद 4 गुना होगा। आदमी हट्टा कट्टा भीख मांगता हुआ नजर आएगा, क्या करे भाई, कुछ काम ही नहीं ना। दो को दे दिया आयुष्मान कार्ड, 8 लोग ऐसे ही मर रहे हैं, 8 लोग मर रहे हैं। लेकिन कहा गया है कि बहुत ढेर सारे लोग को दिया गया है। अरे बहुत ढेर सारे, बहुत ढेर सारी पब्लिक तो है, कितने लोगों को दिया? आप चले जाएंगे आपको मिल जाएगा, अभी आप चले जाएंगे तो आपको भी यही होगा कि नहीं हमारा नहीं, आपका नहीं रहा उनका है, तो जो वो भी उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं ना। अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी तो महंगाई का मुद्दा है भैया, सबसे बड़ी तो महंगाई का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है। 2 किलो गेहूँ 2 किलो चावल देने से मसला हल होता है, और जो 100 रुपए किलो तेल खरीदेगा वो 2 रुपए किलो जो है 10 रुपए किलो गेहूँ आटा भी खरीद लेगा। पहले गल्ला पैसे मिलता था और फिर फ्री में अब मिलने लगा, तो महंगाई भी तो इतनी है। और जो कमाई हम लोग की थी 2000-5000 रुपए, वो कम होके इस टाइम 2-400-500 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर है कि जो लेबर लोग हैं कमा रहे हैं 600-700 रुपए, वो बेहतर है। अब हम लोग वो तो काम कर नहीं सकते हैं। हर जगह का हर काम में यही हो गया कि कमाई खत्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है इस टाइम, बस हर जगह मिल जाएंगे। तो अपना कमा खा रहे हैं ना सर, पकौड़ा बेच रहे हैं, हम भी पकौड़ा बेचे फिर तो पकौड़ा भी बेचने नहीं दे रहे हैं ना सर। अगर पकौड़ा बेच रहे हैं तो आगे वो हटा दे रहे हैं कि हटाइए यहाँ से। अब बताइए क्या करें, जाइए अभी दुकान खरीदने जाइए, किराए पे लीजिए तो वो किराया 10,000-12,000-15,000, उतनी तो कमाई भी नहीं ना, देगा कहाँ से? पकौड़ा बेच के भी नहीं दे पा रहे हम लोग, कहाँ से दें? क्या करें, कैसे नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी दूसरी फिर से नहीं बुलाएंगे। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल भाई, हर साल बदलना चाहिए, हर 5 साल में बदलना चाहिए सरकार। जब बदलेगी तभी तो कुछ ना कुछ करेगी विकास। जैसे 5 साल में हमने उनको मौका दे दिया, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, हो सकता है वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 10 साल उसने भी छोड़ा अपनी सरकार, अब सोचेगी अब कुछ हम करेंगे ना पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कुछ करते। हर अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा, हर गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा, जो जिसके पास जो था वो भी बेच बेच के खा रहा है गरीब, और जो अमीर आदमी है वो और खरीद रहा है। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।